नमस्कार, मैं प्रवीण कुमार डोगरा और मैं अभी हूँ शिमला की ठियोग सीट पर, विधानसभा की सीट नंबर 61। और ये सीट अपने आप में बेहद खास है। बेहद खास इसलिए है क्योंकि यहाँ पर लाल झंडा भी है और लाल झंडा बड़े परचम से यहाँ पर लहरा रहा है। यहाँ पर लाल झंडे की ही रैली है, CPIM की रैली हो रही है यहाँ पर। जो ये थानेदार इलाका है ठियोग में, शिमला से करीब 60 किलोमीटर ऊपर है, 60-65 किलोमीटर ऊपर है, और यहाँ पर आपको एक अलग तरह की पॉलिटिकल डिबेट्स, एक अलग तरह की पॉलिटिकल चर्चाएं सुनने को मिलेंगी और अलग तरह के जो इश्यूज़, जो नेशनल इश्यूज़ पे बात होती है, जो जिस तरह के डिबेट्स आप दूसरे सेंटर्स यानी JNU या दूसरे केरल कोलकाता में आपको देखने को मिलती होगी, वैसे ही यहाँ हिमाचल में आपको देखने मिलेगी। ये विद्या स्टोक्स की सीट मानी जाती है। विद्या स्टोक्स इस बार चुनाव नहीं लड़ पाई, पहले बोला था कि वो राजनीति से संन्यास ले चुकी हैं। फिर हुआ कि जब दिल्ली से एक कैंडिडेट लाया गया, दीपक राठौर, जिनको राहुल गांधी का कैंडिडेट बनाया गया, उसके बाद विद्या स्टोक्स ने थोड़ी सी अपनी नाराज़गी जाहिर की और कहा कि नहीं, ये मेरे कैंडिडेट नहीं है, अगर आपको यही उतारने हैं तो मैं अपना कैंडिडेट उतारूंगी। और उन्होंने विजय पाल नाम के कैंडिडेट हैं, उनको उतारने की खिलाफत की, तो उनको उतारने की मुखालफत की, मगर उनको टिकट नहीं मिला। दीपक राठौर दिल्ली से लाए गए कैंडिडेट बताते हैं, यूँ शिमला में बेस्ड हैं, शिमला में सक्रिय हैं, राजनीति में हैं और इसी इलाके कुमार सिंह के हैं। अब चूंकि विद्या स्टोक्स का अपना टिकट नहीं हो पाया, उन्होंने निर्दलीय चुनाव नामांकन भरा था मगर वो किन्हीं कारणवश वो कैंसिल हो गया। उसके बाद अब यहाँ पोस्टर्स में तो विद्या स्टोक्स दीपक राठौर को फेवर करती हुई दिख रही हैं, मगर इसी बीच, इसी पॉलिटिकल डेवलपमेंट के बीच, यहाँ ठियोग में एक CPIM के चूंकि इस पूरे शिमला इलाके में CPIM का प्रभाव दिखता है, CPIM का प्रभाव दिखता है, और यहाँ पर राकेश सिंघा को उतारा गया है जो कि जीत के दावेदार माने जा रहे हैं। जीत के दावेदार यूँ माने जा रहे हैं क्योंकि वो इसी इलाके से आते हैं और खुद यहाँ पर जो पूरी है वो सेब उत्पादकों की, एप्पल प्रोडक्शन बहुत होता है पूरे ठियोग और आपके कोटगढ़ और जो चौपाई का इलाका, यहाँ पर सेब प्रोडक्शन होती है, सेब के किसान बहुत सारे रहते हैं और इन्हीं में से आते हैं राकेश सिंघा, जिनकी अभी आप रैली आप अंदर देखेंगे, काफ़ी भीड़ है वैसे यहाँ पर। और ये भी बताया जाता है कि ये विद्या स्टोक्स के परिवार से आते हैं, चूंकि विद्या स्टोक्स के परिवार, तो यहाँ पर राजनीति बड़ी ही इंटरेस्टिंग हो गई। इंटरेस्टिंग यूँ हो गई है क्योंकि जो कांग्रेस का कैंडिडेट है उसको विद्या स्टोक्स उनके खिलाफ थी, उनको नहीं चाहती थी कि वो लड़ें, मगर अब पार्टी ने उतार दिया है तो वो उनके पोस्टर तो यहाँ दिख रहे हैं मगर यहाँ मैदान पर, यहाँ सड़कों पर विद्या स्टोक्स रैली करती नहीं दिखी है। और लोकल्स की माने तो यहाँ पर विद्या स्टोक्स अभी तक उनकी कैंपेनिंग के लिए नहीं आई हैं। और इसका सीधा सीधा असर यहाँ के लोग ये बताते हैं कि अगर विद्या स्टोक्स कैंपेनिंग के लिए नहीं आती हैं, वो अपने घर पर रहती हैं, तो इसका सीधा सीधा असर जो है वो राकेश सिंघा के फेवर में जाएगा। यहाँ पर अंदर जो रैली चल रही है, यहाँ पर पोलित ब्यूरो की जो मेंबर हैं वो आई हुई हैं, सुहासिनी। और यहाँ पर एक और खास यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर सामने आया रैली के दौरान, वो ये कि 1990 में जब शांता कुमार की गवर्नमेंट थी, शांता कुमार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने थे, तो तब सेब उत्पादकों के खिलाफ उन्होंने थोड़ा सा काम किया था, सरकार ने काम किया था। वो काम ये किया था कि इनकी सब्सिडी को कट कर दिया था और जब सेब उत्पादकों ने प्रोटेस्ट किए थे तो वहाँ पर गोलीबारी हुई थी। और ये भी कहा जाता है कि जो अभी के BJP के उम्मीदवार हैं राकेश, उनके पिताजी उस समय पुलिस चीफ हुआ करते थे। राकेश वर्मा को हम दिखा दें यहाँ पर, ठियो कुमारसेन कोटगढ़ विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी। तो यहाँ पर CPIM कांग्रेस दोनों ये कह रही हैं कि जब शांता कुमार की गवर्नमेंट थी उस समय इनके पिताजी पुलिस में मुखिया थे तो उन्होंने ही गोलियां चलवाई थी, तीन लोग यहाँ पर शहीद हुए थे, तो उनको शहीद भगत सिंह, राजगुरु और दूसरे लोगों से कंपेयर करके यहाँ के किसान जो सेब उत्पादक हैं वो ये मान रहे हैं। हम यहाँ पर काफ़ी लोग हैं, यहाँ पर काफ़ी नारेबाजी हुई है और बाकी चीज़ें हैं पार्टी के सपोर्ट में, हम इन्हीं से जानना चाहेंगे कि यहाँ पर क्या चल रहा है और किसके फेवर में यहाँ पर लोकल्स सोच रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम संजीव चौहान है। संजीव चौहान जी, आप यहीं रहते हैं ठियोग में? बिल्कुल जी। अच्छा, क्या आपका कारोबार क्या है? खेती बाड़ी है। सेब की खेती करते हैं आप भी? सेब की खेती। अच्छा, यहाँ पे इशू क्या क्या है इस इलाके में, इस विधानसभा क्षेत्र में? बहुत सारे हैं, पानी की कमियाँ है ना जी,
रोडों की व्यवस्था ठीक से नहीं होती है, पार्किंग नहीं होती ठीक। अच्छा, बहुत सारी हैं। और किसानों की क्या समस्याएं हैं, किसानों के क्या इशू हैं? सबसे ज़्यादा पानी है, मेन पानी नहीं मिलता, वाटर पीने का पानी नहीं मिलता या सिंचाई का? सिंचाई के लिए। अच्छा, ये बताइए इस पूरे बेल्ट में सेब की खेती होती है तो सेब के लिए क्या सबसे ज़्यादा जरूरी क्या होता है? सेब की सबसे ज़्यादा पानी है। तो पानी की क्या कैसे होती है, बारिश से, स्नोफॉल से या किसी और? स्नोफॉल और बारिश उसी पर डिपेंड है। यहाँ पे आया तो ठीक है, नहीं है तो लास्ट ईयर भी बर्फ़ नहीं पड़ी तो काफ़ी दिक्कत आई, बारिशें भी कम हो रही है। हाँ जी, तो इस बार जैसे CPIM की अभी रैली हो रही है, आप यहाँ पे सुन भी रहे हैं, तो इस बार इस पार्टी से आपको क्या उम्मीद है? ये तो आपके बीच के लोग हैं, मुझे मैंने सुना है राकेश सिंघा जी। हाँ हाँ, बिल्कुल लोकल है यहाँ से। इससे क्या फ़ायदा मिलेगा आपको? फ़ायदा काफ़ी है, अच्छे काम करते हैं, क्यों नहीं मिलेंगे जी। सर आपका क्या नाम है? विधानसभा में लड़ेगा। विधानसभा में लड़ रहे हैं, अच्छा, आपके आपके हितों के लिए। सर 1990 में क्या हुआ था यहाँ पर, वो थोड़ा सा किस्सा बता सकते हैं? वो तो अब मेरे को है नहीं पता। कोई बता सकता 1990 में क्या हुआ था यहाँ पर? जो जैसा कि मैंने बताया वो शांता कुमार की गवर्नमेंट में हुआ था। और क्या इशू है सर जी, क्या हुआ था? आपने देखा था वो आदमी मरे? क्या हुआ, क्या था, किस चीज पे हुआ था गोलीकांड? वो समर्थन मूल्य के ऊपर। अच्छा, समर्थन मूल्य सरकार ने कम कर दिया था, हटा लिया था। फिर लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, फिर मारे गए एक दो आदमी। अच्छा, तो तब से यहाँ पे BJP नहीं जीती? नहीं, BJP नहीं जीती, नहीं। अच्छा, आपको बता दूं कि शांता कुमार की गवर्नमेंट में नो वर्क नो पे और ये जो सेब सब्सिडी है समर्थन मूल्य के लिए जो किसान लड़ रहे थे, तो शांता कुमार गवर्नमेंट का ये मानना था कि ये बहुत संपन्न लोग हैं और इनको समर्थन मूल्य की ज़रूरत नहीं है, ये काफ़ी पैसा सेब प्रोडक्शन से बनाते हैं। तो इससे जो BJP का यहाँ पर जनाधार थोड़ा कम हुआ था, हालांकि लगातार 7 बार इस इलाके में विद्या स्टोक्स राजनीति में हैं पिछले कई सालों से और 7 बार यहाँ से विधानसभा चुनाव जीत चुकी हैं, और ये खास तौर पर विद्या स्टोक्स का इलाका माना जाता है क्योंकि विद्या स्टोक्स के जो ससुर थे सत्यानंद स्टोक्स, जो अमेरिकी नागरिक थे पहले, यहाँ पे आके कोटगढ़ इलाके में बस गए थे और उन्हीं के जरिए यहाँ पर सेब की खेती होना शुरू हुई थी। वो हॉर्टिकल्चर के बहुत बड़े एक्सपर्ट थे और उन्होंने यहाँ पर बगीचे स्थापित किए थे, लोगों में सेब प्रोडक्शन के लिए यहाँ के क्लाइमेट को बेहतर माना था और यहाँ पर सेब प्रोडक्शन होना शुरू हुआ था। थोड़ा सा युवाओं के पास चलते हैं, युवाओं से जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर जो ठियोग इलाका है, यहाँ पर युवाओं की तरफ से क्या इशू हैं? जैसे जो सेब उत्पादक हैं उनके अपने इशू, मगर युवाओं के लिए क्या इशू है यहाँ पर? युवाओं के लिए बहुत सारे इशू हैं यहाँ पर, इस तरह से रोज़गार नहीं है। रोजगार तो रोजगार का सबसे मेन जो सोर्स है वो क्या है यहाँ पे? रोजगार का ये खेती बाड़ी देखा जाए तो, तो सेब की खेती या कोई और भी खेती? सेब की खेती मैक्सिमम। तो जितने भी यूथ है वो इसी में एम्प्लॉयड है अपने? मैक्सिमम आधे से ज़्यादा तो इसी में एम्प्लॉयड है, जो भी मतलब पढ़े लिखा ज़्यादा है वो या तो यहाँ, तो एक तो कंपनी नहीं है, सबसे बड़ी बात तो ये है, तो इस वजह से लोगों को थोड़ा सा बाहर सर्वाइव करना पड़ता है। कंपनियां किस तरह की कंपनियां? कंपनी जिस तरह छोटे मोटे उद्योग। अच्छा, हो सकते हैं। उद्योग नहीं है मतलब यहाँ? उद्योग नहीं है। अच्छा, और क्या है इशू आप बताइए? मैक्सिमम जो मैं, आपका? मेरा नाम रोहित है। रोहित, क्या करते हैं आप? मैं घर पे ही होता हूँ, सेब का काम देख रहा हूँ। अच्छा। तो जिस हिसाब से ये बोल रहे कंपनीज है, तो जो यहाँ पे काम कर रहा है मेनली जो कंपनीज यहाँ पे, जैसे जैमट्री है, लाइक अदानीज वगैरह, वो सेब से ही है। तो मेनली जो गवर्नमेंट है मतलब अदानी यहाँ पे बेस्ड है? बेस्ड, हाँ, ये नीचे फैक्ट्री है, मतलब एप्पल ग्रेडिंग और परचेजिंग का जो काम है उनका वो है। कितना बड़ा एम्पायर है वहाँ पे, यहाँ पे अदानी का? अडानी का काफ़ी बड़ा एम्पायर है, मतलब लगभग काफ़ी सेब खरीदता है, मतलब अगर उसको एप्पल किंग के नाम से कहा जाए तो हम दिल्ली या दूसरे बड़े शहरों में देखते हैं कि अडानी का सेब आता है, उसमें स्टिकर लगा रहता है ना, ओके टेस्टेड, मतलब यहीं से ही जाता है। उनका काम क्या होता है कि किसानों से सेब खरीद लेते हैं? हाँ, किसानों से ग्रेडिंग, मतलब उसमें क्रेट्स में, जैसे सेब थोड़ा क्रेट्स में आया और वही स्टोर करेंगे, फिर आगे रनिंग मार्केट में अप्रैल मार्च अप्रैल में जब आगे निकलेगा तो उस टाइम वो बाहर निकालते हैं उनसे। अच्छा, वो युवाओं के लिए एम्प्लॉयमेंट के अलावा भी कोई इशू है यहाँ पर, एजुकेशन का या दूसरी चीज़ों का? एजुकेशन तो मेनली पहले से यहाँ पे ठीक रही है, मतलब पहले से ही, जैसे सेब सबसे पहले यहाँ आया था तो सब कुछ, मतलब दूसरे इलाकों से देखे तो एडवांस है थोड़ा, लाइक मतलब कहीं और भी आप गए होगे तो आपने देखा होगा वहाँ के फ़र्क है थोड़ा, मतलब है ही है। तो फिर उस हिसाब से एजुकेशन तो ठीक है, एजुकेशन ऐसा नहीं है, मतलब सारा यूथ एजुकेटेड है, मतलब मेनली अब जैसे यहाँ से स्टडीज़ के लिए जिसने स्टडीज़ किया, जैसे इन्होंने कहा स्टडीज़ किया है, उस हिसाब से एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही है।
तो यहाँ के यूथ की सबसे बड़ी एस्पिरेशन क्या होती है एम्प्लॉयमेंट में, वो क्या करना चाहता है, वो इसी एप्पल प्रोडक्शन को और आगे एक्सटेंड करना चाहता है, एक्सटेंशन उसका करना चाहता है या कुछ और करना चाहता है? जैसे मतलब जैसे अभी मॉडर्न टेक्निक्स आ रही है, मतलब अपने एप्पल के बेस, जैसे यहाँ पे स्टोक्स ये अपने स्टीडू स्टोक्स ही कर रहे हैं, मॉडर्न एप्पल के वो कर रहे हैं, तो फिर उसमें भी जा रहे हैं यूथ, सारा पढ़ा हुआ है, तो अगर कुछ मतलब थोड़े एजुकेशन बेस्ड लाइक के जैसे स्किल इंडिया का यहाँ पे चला हुआ है उस तरह का कुछ। इसमें क्या काम होता है स्किल इंडिया में? स्किल इंडिया में मतलब आपको आईटी से हो गया थोड़ा, मतलब इसी बेस पे बता रहे हैं आपको थोड़ा आगे आइए। अच्छा ये बताइए कि युवाओं के लिए, मैंने सुना था यहाँ पर ठियोग में एक कांड हो गया था जुलाई में, है ना, गुड़िया वाला कांड इसी इलाके में हुआ था, तब यहाँ के लोगों में प्रशासन को लेकर, सरकार को लेकर और पुलिस व्यवस्था को लेकर क्या क्या मतलब उनका क्या रिएक्शन था उस पर? रिएक्शन यही था कि मतलब देख जिस तरह से सीपीआईएम है राकेश सिंघल जी आए थे, मतलब सपोर्ट किया था, तो वो आक्रोश था ही, मतलब मेनली आईजीज वगैरह जो इन्वॉल्व थे अभी वो अंदर है, तो अब अगर ये लोग इस चीज़ में इन्वॉल्व रहेंगे तो बाकी लोग क्या करेंगे, मतलब आम जनता क्या करेगी, है तो वही लोग है ना, मतलब इन्वायरमेंट जैसा भी है आज अंदर वो लोग है, बाकी तो जो मेन कल्प्रिट्स है जो वो तो सबके सामने, मेन कल्प्रिट्स तो बाहर है जिनका नाम आ रहा था, बट इस वक्त कोई और है, अब गवर्नमेंट का ही कुछ। राकेश सिंघा जी के बारे में और बताइए कि उनका क्या बैकग्राउंड रहा है, वो आपके बीच के लोग रहे हैं एप्पल प्रोडक्शन में, उनके भी बगीचे वगैरह हैं, तो कितने लोग से कितने सालों से इनको जानते हैं इस इलाके में? ये तो काफ़ी पहले से यहीं कर रहे हैं, तो ग्राउंड लेवल पे इनका अच्छा है, मतलब काफ़ी फ्रेंडली नेचर है, ओके ऐसा है ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि जैसे कोई बड़ा नेता है उससे आप मिलने जाना तो थोड़ी झिझक है, इनसे आप डायरेक्ट जाइए कोई भी प्रॉब्लम बात कर लीजिए। अच्छा सेब के जो उत्पादक हैं उनके और भी इशू हैं इसके अलावा कोई? सेब के उत्पादक के इशूज़ तो ऐसा कोई है नहीं है, मतलब जो है, मतलब जो है कर रहा है, हम जो चला हुआ जैसे अतिक्रमण की ये बात कर रहे थे जो चला हुआ है इंक्रोचमेंट्स का, उसमें ये सामने आया कि सेब के बगीचे क्या काटे जा रहे हैं, क्या किया जा रहा है, वो हटाए जा रहे हैं, अतिक्रमण क्या, गवर्नमेंट लैंड जिन्होंने ग्रैब की हुई है या मतलब जो भी है उन पे थोड़ा वो इशू था उस पे चला हुआ है। अच्छा जी ठीक है, तो अभी जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं दीपक राठौर उनका क्या है, वो कहा जा रहा है कि पैराशूट कैंडिडेट हैं, बाहर से लाए गए हैं और राहुल गांधी के खास हैं, विद्या स्टॉक्स से बात नहीं की जाए, तो विद्या स्टॉक्स का यहाँ पर कितना लोगों के बीच में कितना जनाधार आपको दिखता है? विद्या स्टॉक्स का काफ़ी जनाधार है, एक्चुअल में इसको गढ़ माना जाता है कांग्रेस का, जो ये अपना हमारा इलाका है, मेनली पॉलिटिक्स कांग्रेस की यहीं से ही चलती है, तो फिर थोड़ा अब क्या इश्यूज़ रहा है इतने बड़े उस पर हम क्या बोल सकते हैं, बट ये है कि जो दिख रहा है वो नहीं आए अभी तक। तो क्या इस बार क्या कांग्रेस के वोटर को हम सीपीआई में शिफ्ट होते देख रहे हैं इस इलाके में, आपकी क्या असेसमेंट है? अब इस तरह से क्या बोल सकते हैं, हाँ मतलब मेनली फिर वही आता है रिलीजियज़म, मतलब कि बंदा जब अपना है तो फिर शायद हो सकता है, होप सो। सीपीआईएम का यहाँ पर इस पूरे शिमला इलाके में काफ़ी बेस है, पूरे हिमाचल में नहीं है, और शिमला का जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है उसमें भी सीपीआईएम रहा है और शिमला से सीट भी जीते हैं, मगर ये जो कैंडिडेट हैं राकेश सिंघा ये पहली बार चुनाव में उतरे हैं और माना जाता है कि इस पूरे इलाके में 40,000 वोटर हैं, पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर बात की जाए तो 78,000 वोटर हैं और ज़्यादातर पूरी जो बेल्ट है यहाँ से 4 से 5 हज़ार करोड़ रुपए का एप्पल एनुअल एप्पल प्रोडक्शन होता है जो कि देश विदेशों तक जाता है, यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियों के अपने प्लांट हैं जो कि उनकी रेटिंग ट्रेडिंग करती हैं एप्पल की, अदानी उनमें से एक है। थोड़ा सा अंदर का नज़ारा हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि रैली के अंदर कौन कौन लोग हैं, कितनी तादाद में लोग हैं, दिल्ली से लोग आए हुए हैं जो कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग हैं उनकी ये पार्टी है, कहा जाता है कि सिर्फ केरल तक सिमट कर रह गई है मगर ऐसा नहीं है, यहाँ पर भी राकेश सिंघा जो नाम हैं उनकी जरिए यहाँ पर लोकल्स में काफ़ी जनाधार और काफ़ी सपोर्ट देखने को मिल रही है। ये अभी जो रैली संबोधित कर रही हैं ये सुहासिनी राय हैं, सुभाषिनी राय हैं, पोलित ब्यूरो की मेंबर हैं। माना ये भी जा रहा है कि 2-3 दिन पहले यहाँ पर सीताराम येचुरी आए थे और इन्होंने शिमला में कांग्रेस से एक सेटिंग की है, सेटिंग ये है, डील ये है कि वो ठियोग सीट पर अपने सीपीआईएम के कैंडिडेट को सपोर्ट करें
माना यह भी जा रहा है कि इसी वजह से विद्या स्टोक्स अभी तक सड़कों पर नहीं निकली हैं रैली करने कांग्रेस अपने पक्ष अपने उम्मीदवार के पक्ष में, और वो दूसरी जगहों पर जहां जहां सीपीआईएम के वोटर हैं उन वो कैंडिडेट कांग्रेस के उम्मीदवारों को सपोर्ट करेंगे। उससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पर राकेश सिंघा, राकेश वर्मा और जो अपने दीपक राठौर हैं इनके बीच की जो टक्कर है इसमें राकेश सिंघा, किसी से पूछा जा रहा है तो राकेश सिंघा ज़्यादा आगे चलते हुए दिख रहे हैं। थोड़ा सा और बात करने की कोशिश करते हैं, इनसे बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार, क्या नाम है सर आपका? जोगिंदर ठाकुर। जोगिंदर ठाकुर, आप यहीं पे लोकल हैं। सर, सीपीआईएम पहली बार यहाँ पर उम्मीदवार इतना स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है, हमेशा ये लोगों के साथ जुड़े रहे और संघर्ष में चलते। तो लोग राकेश सिंघा को वोट देंगे कि सीपीआईएम को वोट देंगे? नहीं, वो कैंडिडेट सीपीआईएम में कहा है वो उसको देंगे, राकेश सिंघा के नाम पे वोट होगा। अगर राकेश सिंघा निर्दलीय लड़ते तो भी जीत जाते? बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर सीपीआईएम जो पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी है, यहाँ पर इसका कितना बेस है इस पूरे इलाके में? इतना तो नहीं है, फिर भी अब काफ़ी फैल चुका है। तो क्या खास बात है राकेश सिंघा की उम्मीदवारी में जो कि बीजेपी के राकेश वर्मा और दीपक राठौर में नहीं, आप यहाँ के लोकल्स को मिल रही है? यहाँ जब बगीचे कट रहे थे तो ये घर घर जाके उनके बीच के और इनने काम किया और उनको बचाया, और फिर जो मजदूरों के थे, कोई दुखी होता है, कोई हॉस्पिटल में कोई ये होता है, ये फौरन रात को ही पहुंच जाते हैं और उनके कहीं भी हो, इस आदमी के अंदर ही है, इसलिए प्रॉब्लम हो, प्रोजेक्ट का प्रॉब्लम हो, किसानों का प्रॉब्लम हो, मजदूरों का हो, हिमाचल में कहीं भी होगा तो राकेश सिंघा जी सबसे आगे। तो ये क्या पहले भी किसी मजदूर यूनियन या या इस यूनियन ऑल इंडिया? यस, कनेक्टिविटी बहुत है, लोगों से कनेक्टिविटी बहुत है। 10 साल में राकेश सिंघा, वो राकेश वर्मा हारा 2 दफ़ा, बस इलेक्शन के टाइम लोगों से मिलता है, उसके बाद कभी शक्ल ही नहीं देखी लोगों ने। तो ये बताइए कि बीजेपी से क्या किसी तरह की, जो एप्पल प्रोडक्शन वाले हैं, जो सेब उत्पादक किसान हैं, उनकी बीजेपी से किसी तरह की दुश्मनी है? जो कि पहले बताया जा रहा है कि 1990 में जो कांड हुआ था उसके बाद से क्या है बीजेपी के लिए, क्या सोचा यहाँ के लोग? बीजेपी जो सरकार है ये इनका ज़्यादा टूरिज्म की तरफ है, जो ये कांग्रेस है तो वो हॉर्टिकल्चर की तरफ है, इसलिए मैक्सिमम लोग जो हैं वो हॉर्टिकल्चर वाले तो हॉर्टिकल्चर की तरफ ही देखेंगे। अगर राकेश सिंघा की उम्मीदवारी ना होती तो क्या इस बार कांग्रेस के उम्मीदवार दीपक राठौर को आप विधायक बनाते? वो तो कांग्रेस अभी होना बाकी है, अभी कुछ भी तय नहीं हुआ, मगर जितना माहौल हमें दिख रहा है उसके हिसाब से पूछ रहा हूँ। ये कुछ ऐसा भी है, कुछ लोगों को नाराजगी भी है जिस हिसाब से मैडम स्टोक्स के साथ। उसके बारे में बताइए, मैडम स्टोक्स के लिए क्या नाराजगी है लोगों में, यहाँ के लोग? मैडम स्टोक्स के साथ उतनी नाराजगी नहीं है, पर बीजेपी के साथ लोगों को बहुत नाराजगी है, क्योंकि 90 में जो गोलियां चली, 3 हमारे शहीद हुए नौजवान, तो उस टाइम से बहुत नाराजगी है। वो एक विजयपाल जी का नाम आ रहा था कि जो विद्या स्टोक्स चाहती थी जिनको टिकट देना, अगर उनको टिकट मिलता तो कैसा यहाँ पे समीकरण क्या होते? कोई उनका क्या जनाधार है यहाँ पर विजयपाल जी का? उनके फादर का, जय बैला काची, वो यहाँ पर बहुत जुड़े रहे लोगों से, वो उसको प्लस पॉइंट जाता था, फिर कांग्रेस का जाता था, ये था। तो क्या यहाँ के लोगों के लिए जो उम्र है किसी उम्मीदवार की, उसकी पढ़ाई लिखाई है, वो मैटर करती है कि यहाँ से जमीन से जुड़ा हो, चाहे कितनी भी उम्र का हो? नहीं, ऐसा तो नहीं, पढ़ाई लिखाई तो बहुत ज़रूरी है और ज़मीन से भी जुड़ा होना चाहिए। और सेब उत्पादकों के और क्या इशू हैं सर? इशू ये है, लोगों के प्रति कोई आवाज ही नहीं उठाते, अपने कुर्सी पे गए अपने मजे लिए, बागवानों की तरफ इनका कोई ध्यान नहीं है। और आप देखिए ना, आज तक इस साल ही देखो कितना लॉस हुआ हमारे को, मार्केट में बिल्कुल स्लम पीरा, जबकि सेब भी कम का, नोटबंदी भी का नोटबंदी से, और शुरू शुरू में बिक गया जब खाली था खाली बाजार, उसके बाद 800-500 कंप्लीटली यहाँ की पब्लिक, और लोगों को पेमेंट नहीं मिल रही है, पेमेंट मिल नहीं रही, बहुत प्रॉब्लम है लोगों को यहाँ। इससे जीएसटी से आपके किसी प्रोडक्शन पे फर्क पड़ा है? जीएसटी से तो सब गई, हर चीज जीएसटी पड़ा है, इसका फर्क दवाई सेबों पे क्या फर्क पड़ा है? सेबों की जो है ना प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गई हुई है,
दवाइयाँ जो है वो महंगी लेनी पड़ रही है, हर चीज़ से फंगीसाइड महंगा है, हर चीज़ महंगी होती जा रही है। अभी यहाँ पर किसी तरह की कोई सब्सिडी इस तरह का कुछ मिलता है क्या सेब किसानों को? किसान की तरफ मिलता है दवाई, वो मिलता है नट पे मिलता है, अब जो है दो तीन चीज़ों पर हमको मिलती है कुछ सब्सिडी, इस पर जो फंजीसाइड जो है इसमें हॉर्टिकल्चर में आता है उस पर मिलती है। जैसे बाहर से जो सेब इम्पोर्ट हो रहा है उसकी क्या जरूरत है, जब हिंदुस्तान में इतना सेब है तो बाहर से क्यों इम्पोर्ट कर रहे हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट इसके लिए कोई पॉलिसी क्यों नहीं बनाती प्रॉपर कि बाहर से ना इम्पोर्ट किया जाए सेब? छोटे ग्रोवर हैं, छोटे छोटे 500 पेटी किसी का 600, उससे गुजारा नहीं होता। FDI आने से हमारा तो बेड़ा गर्क हो गया। यहाँ तो नुकसान क्या हुआ एग्जैक्टली बताइए? स्टोर करते थे हम एप्पल, स्टोर करते थे, अब जब हमारा स्टोर निकलता है उतने में फॉरेन का सेब आ जाता है, हमारा उसमें कम्पीट हम कर नहीं सकते, फॉरेन का तो वैक्सिंग होती है, बड़ा शाइन होता है, उसका स्टोरेज वाला नहीं होता है। होता है पर वो फिर कम्पीट नहीं कर पाता उसके साथ। चाइना वाला सस्ता है, फ्यूजी यहाँ पे भी घुस गया, मतलब चाइना का नहीं घुसा, दिल्ली में आ रहा है फ्यूजी, फ्यूजी चाइना हर जगह 80% तो बाहर से ही आ रहा है इस वक्त। दिल्ली मंडी में जाओ आज की डेट में, अब टोटल बाहर का माल बेच रहे लोग, हमारे मालकान जाए। तो किसानों को बहुत नुकसान है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, ये बताइए कि यहाँ से जो सेब निकलता है, मान लीजिए एक 10 किलो की पेटी है, वो कितने की बिकती निकलती है यहाँ से आपके किसान के खेत से? 1000 रुपए मैक्सिमम, वो भी मैक्सिमम हाई क्वालिटी का सेब होगा वो 1000 रुपए। अच्छा, उसमें फिर प्रोडक्शन कॉस्ट लगाओ आप, खाद, प्रूनिंग, खुदाई, फिर कैरेज, कमीशन, उसमें हमारे 200 रुपए बचते हैं, 200-300 रुपए मुश्किल से। इस साल टोटली 300-400 में बिके तो क्या करेंगे किसान? इन भाई साहब का कहना है कि 10 किलो अगर किसी पेड़ से सेब निकल रहा है तो वो पेड़ 10 साल तक पालना पड़ता है, यानी उसमें इन्वेस्टमेंट भी बहुत सारी। अच्छा चलिए ठीक है, सेब उत्पादकों की अपनी अपनी समस्याएं हैं जिनको राकेश सिंघा यहाँ पर एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हीं के बीच के लोग हैं। और हालांकि इस इलाके में अगर किसी को जीतना है तो सेब उत्पादकों को नाराज़ नहीं कर सकता, बड़ी तादाद है यहाँ पर सेब उत्पादकों की इस पूरी बेल्ट में। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि ठियोग, कोटगढ़, कोटखाई, जुब्बल कोटखाई का जो इलाका है, चौपाल का जो इलाका है, यहाँ पर भरपूर बर्फबारी होती है और यहाँ पर सेब की खूब खेती होती है। थोड़ी सी और असेसमेंट लेने की कोशिश इनसे ले लें। अच्छा सर नमस्कार। नमस्कार जी, क्या नाम है सर आपका? मेरा हरिचंद रोच। हरिचंद रोच, रोच। अच्छा ये बताइए हरि जी कि यहाँ पर सेब उत्पादकों की बात हमने कर ली, बाकी लोग जो लोकल लोग हैं जो सेब उत्पादन से नहीं जुड़े हुए, उनके लिए क्या मुद्दे हैं और क्या इशू हैं उनके? जो सेब से नहीं ना जुड़े हुए उनके लिए मुद्दा तो सबसे बड़ा तो एम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि हमारे यहाँ लैंड बहुत कम है, बहुत कम लैंड है और लोग एम्प्लॉयमेंट बड़ी सबसे बड़ी तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी इस तरह की एम्प्लॉयमेंट की जो समस्या है युवाओं के लिए, जो बाहर जाके पढ़ के आते हैं फिर यहाँ पे वापस अपने बगीचों में काम करने लगते हैं, या जिनके बगीचे नहीं है, ठीक है, उन फिर कौन सी पार्टी कैसे एड्रेस करेगी? वो लोग सर्विस का तो लोगों का ये व्यू है ना, ये गवर्नमेंट की नौकरी तो मिलनी नहीं, जो हम लोग बोलते हैं तो कहता है प्राइवेट में कंपटीशन से नौकरी लेनी है, नौकरी के लिए लोग गवर्नमेंट पर आधारित नहीं जाए, वो तो कहता मेरिट से आएगी। जो मेन यहाँ है ना, ये मेन यहाँ सेब की प्रॉब्लम है, इस एरिया में सेब की प्रॉब्लम ये है कि यहाँ के बगीचे पुराने हैं और रीप्लांटेशन प्रॉब्लम है। अच्छा, कितने सालों में रीप्लांट करना पड़ता है? ये जो सेब का पेड़ है ना जी, ये आपको 20 क्रॉप प्राइम देता है, 20 क्रॉप प्राइम 10 साल में डिक्लाइन, 30, 8-10 साल में, जो सीडलिंग वाला हो तो 15 साल में। अच्छा ये बताइए कि एक साल में एक ही फसल होती है सेब की? एक ही फसल। अच्छा, किस टाइम पे होती है ये फसल? आती है जी जुलाई से अक्टूबर तक, जुलाई से अक्टूबर तक वो प्राइम टाइम होता है, प्राइम टाइम। अच्छा 20 फसलें देती है एक पौधा? एक पौधा प्राइम क्रॉप देता है टॉप, फिर वो डिक्लाइन में जाता है। अच्छा, और 30 क्रॉप के बाद जैसे जैसे डिक्लाइन करता तो उसकी क्या सेब की क्वालिटी कम होती जाती है? उसकी क्वालिटी पुअर होती है, उसमें फॉर्मेशन कम होती है ना जी, क्योंकि सेब लगता है बड में, बड फॉर्मेशन पुराने पेड़ में कम होती है। अच्छा, और फिर वो बड जो है उसका हेल्दी नहीं होता। अच्छा, और एक 20-25 साल 30 साल पेड़ चला के वो रोग से भी ग्रस्त हो जाता है, से भी ग्रस्त हो जाता है, तो बीच बीच में छिड़काव करने पड़ते होंगे, छिड़काव बहुत करने पड़ते हैं। अच्छा, तो अभी तो ये जो है ना सेब का यहाँ प्रॉब्लम है रीप्लांटेशन। अच्छा, के पुराने पेड़ उखाड़ो नए लगाओ। अच्छा,
रीप्लांटेशन की प्रॉब्लम, एक साठ कहते हैं इसको, स्पेसिफिक एपल रीप्लांटेशन डिजीज, उसके लिए सॉइल ट्रीटमेंट है। तो सॉइल ट्रीटमेंट के लिए कुछ हो नहीं रहा, हो नहीं रहा। सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी, लोग सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की हिमाचल में है ही नहीं। हिमाचल में ये जो आपकी सोलन में नॉनी यूनिवर्सिटी है या अपनी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, उनमें कोई काम नहीं होता, उनमें कोई काम नहीं हो रहा, कोई काम नहीं हो रहा उनमें जो है ना, ये कोई ऐसा काम नहीं हो रहा। और लेबोरेटरी गवर्नमेंट ने लगाई नहीं, और अब जो लेबोरेटरी चाहिए ना, सो सेव के लिए 12 एलिमेंट चाहिए, तो 12 एलिमेंट की लेबोरेटरी चाहिए। तो कहाँ जाना पड़ता आपको इसके लिए? हम लोग तो जाते हैं यहाँ पूसा इंस्टीट्यूशन दिल्ली, पूसा अच्छा, इलाहाबाद अच्छा, इको वालों की लेबोरेटरी है, कोई लोग बेंगलोर जाते हैं, कोई नासिक जाते हैं, तो मतलब कहीं जो इंटेलिजेंट लोग हैं वो करा रहे हैं। तो मतलब यहाँ की सरकार को यहाँ पे एक लेबोरेटरी स्थापित करने की, लेबोरेटरी कैसे है ना, ये जो लेबोरेटरी है वो सॉइल टेस्टिंग होती है बिलियन और ट्रिलियन पार्ट में, वो लेबोरेटरी एक ही लेबोरेटरी लगे तो सारी स्टेट का वहाँ हो सकता है। छोटी छोटी लेबोरेटरी का जो कंसेप्ट है वो गलत है, क्योंकि इसकी जो बिलियन और ट्रिलियन पार्ट में करती है उसकी कॉस्ट ही बहुत है, और कॉस्ट इफेक्टिव है, फिर उसके लिए टेक्नीशियन चाहिए। तो अगर एक लेबोरेटरी ऐसी लग जाए तो लोग उससे आगे जाएंगे। तो एक तो रीप्लांटेशन प्रॉब्लम है यहाँ बहुत ज़्यादा है, और दूसरा प्लांट मटेरियल जो आ रहा है दैट इज़ नॉट अप टू द मार्क। बल्कि आप मिले मुझे, मैंने कल भी हाई कोर्ट में था, मैंने गवर्नमेंट के खिलाफ एक PIL डाला। क्या PIL डाला आपने? हमने ये डाला इनके अगेंस्ट, इन्होंने जो प्लांट लाए दे आर डिजीज। ये भी मैंने सुना है कि यहाँ पर जो वीरभद्र सिंह पर ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने जो नए प्लांटेशन फॉरेन से मंगवाए हाईब्रिड, तो उनके बहुत सारे उनमें बड़ी गड़बड़ी हुई है, जो कि BJP के लोग आरोप लगा रहे हैं, वो उसमें क्या है? उसमें ये है ना, ये वो तो आरोप है, आरोप है, लेकिन जितने प्लांट इन्होंने बाहर से लाए उसमें 32,000 लाए इन्होंने जो वायरस फ्री है, अच्छा, और बाकी लाए वायरस वाले। तो किस कंट्री से आते हैं ये प्लांट? ये प्लांट इन्हें इटली से लाए। तो सबसे अच्छे कहाँ के हैं ये? ऐसा है, मैं आपको प्लांट की बताऊँ, जो सेब का पेड़ है ना जी, हर कंट्री का सेब में जो क्लोन रूट स्टॉक है वो तीन किस्म का, MMM और एमला। अच्छा। जो एमला है वो वायरस फ्री है, वायरस फ्री, उसमें वायरस नहीं लगता, हमेशा नहीं लगेगा, नहीं कभी नहीं आएगा। और मैं खुद US से 2000 में प्लांट इम्पोर्ट कर चुका हूँ वायरस। बढ़िया। और 2000 में मैंने प्लांट मोटोर की किए वायरस फ्री। अब जो इन्होंने इटली से लाए, इन्होंने एक वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट बनाया, तो वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट में इनको 1134 करोड़ मिले, और उसमें इन्होंने ये एम और ऑब्जेक्टिव का ये है, एनहांस फार्मर इनकम प्रोडक्टिविटी प्रोडक्शन एंड क्वालिटी, एलीट डिजीज फ्री प्लांट मटीरियल। और इन्होंने जो लाया दैट इज़ नॉट डिजीज रिस्क, उसमें स्कैब आई, यूनिवर्सिटी के सर्टिफिकेट चेक हुआ और उसमें वायरस आई, तो वायरस आने से वायरस फ्री नहीं है। वायरस जो है ना जी, वो प्लांट और क्रॉप 50% कम करता है, फ्रूट को क्वालिटी डिटेरियट करता है। वो जब इन्होंने वो एम और ऑब्जेक्ट नहीं किए तो फिर हम लोग कोर्ट में गए और अब कोर्ट में लड़ रहे हैं। ठीक है, कोर्ट में ये लड़ाई पहुंच चुकी है सेब के पौधों को लाने की। बड़ा बड़ा बहुत शुक्रिया सर। कल भी इसमें हमको जो है ना जी, इसमें जो प्लांट इनके जो इनने डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, हमने ये अपील ली कि इनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाए, इससे बीमारी हर जगह फैलेगी। अच्छा, तो मतलब एक जगह कहीं बगीचा लग जाएगा तो उससे दूसरी जगह भी चली जाएगी। कल कोर्ट ने इनको स्टे कर दिया। अच्छा, स्टे कर दिया, तो अब चुनावों तक तो टल ही जाएगा। नहीं नहीं, स्टे तो कोर्ट का। तो अब तक अब स्टे कितने टाइम के लिए लगा? स्टे लगाया जब तक वो प्लांट जो है वो इसका जो है ना जी, इंडिया में जो प्लांट आए तो दुनिया में प्लांट आते वो आते हैं क्वारंटाइन एक्ट ऑर्डर 2003, उसमें यह है कि डिजीज वाला प्लांट यहाँ नहीं ला सकते। तो वही सर, थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा, यहाँ जो मजदूर लोग हैं, जो लेबर आपके खेतों में काम करते हैं, वो कहाँ से आते हैं? यहीं के लोकल होते हैं कि बाहर से भी? जी, सीजन लेबर तो नेपाल से आती है, आगे पीछे जो बगीचे का काम है जैसे उसकी प्रूनिंग है, स्प्रेइंग है, वो लोकल लेबर का। एक्सपर्टीज होती है लोगों की या वैसे ही आप ट्रेन करते हैं? क्वाइट एक्सपर्ट, एक्सपर्ट ही होती है। तो ये पूरी जो एप्पल प्रोडक्शन की जो पूरी इकोनॉमिक्स है उसको समझा रहे थे, कैसे पेड़ लाए जाते हैं, कैसे प्रूनिंग होती है, कैसे उनमें खाद लगाई जाती है, कैसे उनको वायरस से बचाया जाता है, और हमारे जो सेब प्रोडक्शन है वो विदेशी जो एप्पल हैं उनसे कम्पीट नहीं कर पाती है, और उसके लिए हमें हमारी गवर्नमेंट को, हमारी जो मैनिफेस्टो बनाते हैं यहाँ के लोग, यहाँ के विधायक, उनको क्या करना चाहिए। सर, आपका क्या नाम है?
आपका क्या नाम है सर? मैं एक्स आर्मी हूँ। एक्स आर्मी मैन? अच्छा, यहीं के हैं लोकल? यहाँ मैं लोकल हूँ। अच्छा, तो ये बताइए सर, यहाँ पर एक्स आर्मी मैन के हिसाब से बताइए कि इस इलाके की और क्या समस्याएं हैं, एप्पल प्रोडक्शन के अलावा भी कोई समस्या है? समस्याएं तो यहाँ की बहुत है, खासकर डिफेंस पर्सन के साथ में, जो ये मोदी गवर्नमेंट ने जो किया है, जैसे अभी जो ORoP का जो एक झांसा दे के, अभी वन रैंक वन पेंशन ORoP इज द सेम थिंग, ही हैज गिवन नथिंग टू द एक्स मैन ऑफ दिस एरिया। एंड सेकेंडली जो CSD फैसिलिटीज है, मैं आपको ये आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, जो ये CSD फैसिलिटीज है, इसके ऊपर भी बड़ा अंकुश लगाया है ड्यू टू GST। एक सोल्जर जो है अपने बलबूते पे, जिसने कि ये अपना कंट्रीब्यूशन दे के, CSD इज नॉट ए गवर्नमेंट एसोसिएशन या गवर्नमेंट की तरफ से एड नहीं है, वो एक कंट्रीब्यूटेड उससे जो है ये होता है, एक कंट्रीब्यूशन से जो CSD हमारी चलती है, हम लोगों के उस पर ही चलती है, या जो हमारे से पहले हमारे सीनियर्स थे उन्होंने इसको कंट्रीब्यूट किया था, उनके कंट्रीब्यूशन से आगे हमने किया है, आगे जो आने वाली फौज है वो कर रही है। इसमें जो इन्होंने जो ये किया है, जो ये फौज के लिए कंटीन में जो है इन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा दी है, एक लिमिट रिस्ट्रिक्शन लगी है, रिस्ट्रिक्शन ये लगी है, एक लिमिट होती है, लिमिट जो है कि जो ऐसे एक JCO रैंक है या एक ऑफिसर रैंक है, ही कैन परचेज 10,000 की लिमिट पर मंथ, 10,000 की लिमिट है परचेजिंग है। एंड नाउ दे हैव डिटेक्टेड इट, अभी किसी भी उसमें जाओ, नंबर एक तो GST की वजह से, एक तो पहले CSD में कोई भी आइटम अवेलेबल नहीं है, अगर जो अवेलेबल है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है कि भाई ये नहीं है, आपको इतना ही मिलेगा। अभी ठीक है, जब ये मंत्री लोग या कोई भी है, जैसे आपने देखा होगा पटवारी का बच्चा पटवारी बनता है, मंत्री का बच्चा मंत्री बन सकता है, तो एक सैनिक का भी एक परिवार होता है, उसके भी अपने रिलेशंस होते हैं, उस रिलेशन में वो सैनिक को भी अपने भाई बंदा है उनके लिए अगर वो थोड़ी हेल्प करता है तो ये कोई उसमें कोई गुना नहीं है, या अगर ये लिमिट और अपनी जो उसमें ही तो करता है, उसी में ही करता है जो लिमिट है, पर उसके ऊपर भी ये रिस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं। तो यहाँ हिमाचल में मैंने बहुत सारे बच्चों से बात की तो वो कहते हैं कि हमें फौजी बनना है, तो फौजी बनने के लिए तो कहते कहते सबका ही क्रेज होता है, होना भी चाहिए। हिमाचल की जो है एग्रीकल्चर के बाद में नेक्स्ट जो जितनी भी पॉपुलेशन है, इट इज मैक्सिमम डिपेंड अपॉन आर्मी उसमें बैकग्राउंड में, पर आज की डेट में जो आर्मी का वो कर रखा है इन्होंने, आप देख ही रहे होंगे, आर्मी को बिल्कुल डोमिनेट कर रखा है। टीवी स्टूडियोज में बहुत नौकरी मिल रही है आजकल? नहीं, मैं तो आज तक किसी ने बताया नहीं, यू आर द फर्स्ट मैन, यू आर इन्फॉर्मिंग मी। रात को 9 बजे जो डिबेट्स होते हैं उनमें नहीं बैठे होते आर्मी एक्स मैन में? तो अभी तक तो हमें तो किसी ने इनवाइट नहीं किया। अगली बार आपको इनवाइट करेंगे किसी डिबेट के लिए, डेफिनेटली। एंड देन उसमें पाकिस्तान को गालियां देनी होती हैं बहुत ज्यादा? पाकिस्तान को गालियां तो पहले भी दी जाती थी, आज जो आप ये कर रहे हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक का जो आप ये देते हैं कि बोला सर्जिकल स्ट्राइक है, आज आपके मीडिया ने थोड़ा सा इनको ये कर दिया, BJP ने मीडिया किया हुआ, ये पहले भी चला था, कांग्रेस के टाइम पे भी होता था। आई एम नॉट पॉलिटिशियन, मैं आपको पहले बताता हूँ कि मैं कोई नेता नहीं हूँ, ना मैं किसी पार्टी का हूँ, मैं एक आम आदमी हूँ, मैंने पूरी सेवा अपनी जो है पहले फौज में दी है, फौज से मैं कलर सर्विस लेके रिटायर हुआ हूँ, एज ए कैप्टन आई रिटायर्ड, आई नो ईच एंड एवरीथिंग, क्या होता है क्या नहीं होता है। पर आज की डेट में जो हमारे सैनिकों के लिए जो अंग्रेजों ने स्टेटस दिया था, वो स्टेटस इन्होंने बिल्कुल खत्म कर दिया है, बारे में कोई बात नहीं करता है। जबकि टोल टैक्स जो एक सेवा जब तक सैन्य फौज में रहता है तो उसका टोल टैक्स माफ होता है, जब वो एक्स बन जाता है तो एक्स में उसका जो टोल टैक्स है वो क्यों चार्ज किया जाता है? एक सैनिक के लिए एक प्राइड की बात होती है, पैसा देना कोई बात नहीं है, पैसा तो वो दे सकता है, पैसा वो नहीं कहता, इट इज ए कमर्शियल व्हीकल, दैट शुड बी चार्जेस, अगर वो पर्सनल व्हीकल पर जाता है तो इट शुड नॉट बी चार्ज, ये उसका एक स्टेज होता है कि जब टॉप पे आता है कि भाई हाँ एक्स बहन है। तो ये स्टेट्स में ही नहीं होता है कि ये स्टेट में नहीं है, ये मैक्सिमम हर कंट्री में होता है, बिकॉज आई एम स्टिल इन जॉब इन दिल्ली, मैं जब भी आता जाता हूँ तो मैं यही देखता हूँ हर टॉल पे ये होता है। क्यों, अगर कोई मंत्री जाता है उसके साथ में पूरा काफिला है वो टैक्स पे वो जाता है, एक सैनिक का ये सम्मान दिया गया था, अब जो वो सम्मान बिल्कुल ध्वस्त कर दिया गया है। ठीक है सर, थैंक यू। तो जैसा कि आपने देखा कि GST को लेकर बहुत परेशान हैं लोग, चाहे वो फौजी हों, किसान हों, आम लोग हों। हम एक महिला से बात करना चाहते हैं, एक्सक्यूज़ मी, हम आपसे बात कर सकते हैं? आपका नाम क्या है? प्रियंका। प्रियंका, आप यहीं रहते हैं? हाँ जी। अच्छा, किस इलाके में रहती हैं आप?
नारकंडा। नारकंडा, आप यहाँ पे इस रैली में क्यों आए हैं? हम इस रैली में इसीलिए आए हैं कि हम लोग सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो पहले विपक्ष की सरकार थी, जो पहले जो सत्ता में थी या जो भी विपक्ष में थी, एज ए स्टूडेंट मैं ये कहना चाहूँगी कि उन्होंने जो सत्ता में थे, उन्होंने सत्ता में रह के क्या किया। थोड़ी आवाज इसमें, इधर आ जाए, आइए। मैं एज ए स्टूडेंट बात करना चाहूँगी। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी, जो पहले यहाँ पे सत्ता में सरकार थी, उन्होंने स्टूडेंट के हित में क्या किया है? रूसा जैसी एक घटिया शिक्षा व्यवस्था उन्होंने बच्चों के बीच लाई है, जिस तरह से, जिसकी वजह से मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है उनकी जो है शिक्षा का स्तर बिल्कुल गिरता जा रहा है, और यहाँ पे जो शिक्षा की प्राइवेटाइजेशन हो रही है वो बढ़ती जा रही है। और रूसा से एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम हो रही है बच्चों को, ये बता दीजिए थोड़ा सा। रूसा से प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो जो पहले ईयरली एग्जाम्स होते थे, अब सेमेस्टर सिस्टम हो गया है, पर हिमाचल की जो ज्योग्राफिकल स्टेज है वो अच्छी नहीं है, जो रूसा के लिए होनी चाहिए। क्योंकि एक टाइम पे जो इसका डॉक्यूमेंट था उसमें था कि 40 स्टूडेंट्स पे एक टीचर होना चाहिए, पर यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ की ज्योग्राफिकल स्टेज अच्छी नहीं है, वो सभी को पता है, और इस वजह से जो है हर 15 दिन के अंदर एग्जाम्स करवा देते हैं। किस तरह की शिक्षा व्यवस्था जो है बच्चों को दी जा रही है आप सब देख सकते हैं, किस तरह से उनका फ्यूचर बर्बाद किया जा रहा है। बच्चों को नहीं पता है ग्रेजुएशन के बाद कहाँ जाना है, क्या करना है। हफ्ते में 3 दिन क्लासेस होती है, 3 दिन क्लासेस नहीं होती है। मतलब एक तरह से देखेंगे कि प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। अगर इससे प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया रहा है, कैसे दिया जा रहा है, थोड़ा सा रिलेट करके बताइए। आप देखेंगे रूसा सिस्टम है, ठीक है, कानून व्यवस्था बिल्कुल, शिक्षा व्यवस्था सबको पता है कि अच्छी नहीं है। तो अगर किसी के घर में अगर 2-3 बच्चे हैं, यहाँ किसान बागवान सारे रहते हैं, कोई हाई प्रोफाइल सोसाइटी के लोग नहीं है, सारे मजदूर हैं, अगर उसके घर में 3 बच्चे हैं, तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि फर्स्ट प्रेफरेंस जो है वो बॉय को मिलेगी, जो उनके घर में लड़का है। क्योंकि यहाँ के लोग इतनी फीस नहीं पे कर सकते हैं कि दोनों को वो एक अच्छी शिक्षा दे सके। मैंने सुना है यहाँ पे तो 4-5 हज़ार करोड़ की एप्पल प्रोडक्शन होती है इस पूरी बेल्ट में होती है, वो सभी के घरों में नहीं होती है। मैं आपको वही कह रही हूँ कि यहाँ किसान बागवान है, वही है ना, कोई अमीर अमीर होता जा रहा है इस सत्ता के चलते, कोई अमीर अमीर होता जा रहा है और गरीब गरीब होता जा रहा है। कौन सी सत्ता, कौन सी सरकार, कौन सी पार्टी इस अमीरी गरीबी के जो डिफरेंस उसको कम करने के लिए आपको, आपके लिहाज से क्या CPIM ही एक रास्ता है? ये एक CPIM ही एक ऐसा रास्ता है, क्योंकि कांग्रेस और जो भाजपा है ये दोनों आप बोल सकते हैं कि ये पैरेलल चलता है एक दूसरे के। हम विपक्ष में यहाँ से कांग्रेस की जो सरकार थी, विद्या स्टॉक्स यहाँ से थी। मैं प्रदेश की बात करना चाहूंगी तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि विपक्ष का एक अहम रोल होता है, जो हम कह सकते हैं विधानसभा में एक अहम रोल होता है, तो उन्होंने विपक्ष में रहते हुए उन्होंने क्या किया? वो सिर्फ यही कहते हैं कि अगर BJP सत्ता में आती है तो हम रूसा सिस्टम वापस कर देंगे। वो क्या है? वो इसको एक चुनावी मुद्दा बना रहे हैं, पर ये शिक्षा के जो एक होता है प्राइवेटाइजेशन कम करने के लिए या बच्चों के हित में कोई भी वो काम स्टेप नहीं ले रहे, वो सिर्फ इसको चुनावी मुद्दा बना रहे हैं। अगर BJP सत्ता में आती है तो रूसा सिस्टम रोल बैक हो जाएगा। मुझे बताइए, आप इसी इलाके में रहती हैं और यहाँ पर एक गुड़िया कांड हुआ था, उसकी गूंज पूरे देश विदेशों तक पहुंची थी। पहली बार एक ऐसा मुद्दा हिमाचल में देखने को मिला जिसने लोगों में इतना आउटरीच पैदा किया, तो आप भी मतलब किसी पार्टी की तरफ से ना बोलते हुए, अपनी आप किसी पार्टी से जुड़ी हुई हैं क्या वैसे? CPIM से, उसकी तरफ से ना भी बोलते हुए, एक नॉर्मल यहाँ के रेजिडेंट होते हुए आपकी क्या कंसर्न है उस इंसिडेंट के बाद? उस इंसिडेंट, पहले तो हिमाचल में सही आपने कहा है कि एक पहला मुद्दा है जो ऐसा हुआ, पर इसको लोग ना चुनावी मुद्दा बना रहे, अपना झंडा लेके, अपना डंडा लेके, इसका मतलब इसको एक घटिया तरीके से इसको जो है पब्लिक के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं कि इसको गुड़िया के नाम से वो जो भी बनाएंगे, जो नीतियां बनाएंगे कि आगे गुड़िया, आगे का क्या करना है। अभी प्रेजेंट में जो है CBI सेंट्रल गवर्नमेंट वो 6 महीने और मांग रही है, इतना बड़ा केस हुआ है और इसके लिए 6 महीने और मांग रही है। आप देख सकते हैं कि एक पॉलिटिकल प्रेशर जो है वो अथॉरिटी के ऊपर भी एक पॉलिटिकल प्रेशर बनाया जा रहा है, क्योंकि अब सब लोगों को पता है कि जनता को किस तरह से बेवकूफ बनाया जा रहा है CBI के होते हुए। मतलब कैसे 6 लोग, पहले तो मीडिया में किसी का नाम दिया जाता है कि ये 6 लोग हैं, उसके बाद किसी और को अरेस्ट किया जाता है, उसमें किसी को जेल में मार दिया जाता है, उसके बाद 6 महीने और मारे जाते हैं, उनके टेस्ट ही खत्म नहीं हो रहे। मतलब किस तरह की जो एक व्यवस्था है, किस तरह से इसको घटिया तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है, मतलब बहुत ही एक शर्मनाक है। और हमारी जो ये ठियोग में जो बहुत बड़ी जो
रैली हुई थी, बहुत बड़ा जो मुद्दा उठाया गया था गुड़िया का, वो किसी, मैं किसी पार्टी के उससे नहीं बोल रहा हूँ, पर वहाँ पे भी वहाँ के आम लोग, आम जनता जो वहाँ पे इकट्ठा हुई थी, हाँ उसको लीड कुछ लोग कर रहे थे जो इस विचारधारा से संबंध रखते हैं, पर वो किसी पार्टी के लिए किसी बैनर तले, ये गुड़िया न्याय मंच के बैनर तले वो काम कर रहे थे, CPM के बैनर तले वो काम नहीं कर रहे थे। यहाँ पर अभी क्या कंसर्न है बच्चियों की, बच्ची के घर वालों की, परिवारों की, आपको किस तरह की समझाइश मिलती है, किस तरह की सलाह मिलती है घर से बाहर निकलने, या नॉर्मल है सब? नॉर्मल नहीं है, यही कहा जाता है कि मतलब एक तरह से विश्वास उठ गया है, पुलिस पर से विश्वास उठ गया है, पुलिस के लोग भी ऐसी हरकतें करते हैं, तो यही कहा जाता है कि टाइम से पहले घर आना है, अंधेरे होने से पहले घर आना है, सुबह किसी मतलब होता है ना एक गाइड की तरह, मतलब भाई के साथ, पेरेंट्स के साथ, रिश्तेदार पर से विश्वास उठ गया है कि उनके साथ घर से बाहर जाना है, टाइम से पहले वापस आना है। जहां हम एक जगह बात करते हैं कि एकता की बात करते हैं, हम लड़का लड़की एक समान, और वहां पे इस तरह का डिस्क्रिमिनेट किया जाता है कि भाई के साथ जाओ, मतलब किसी बड़े लोगों के साथ जाओ, इनफैक्ट कि यहां तक कि महिलाएं भी सुरक्षित नहीं है, उनको भी टाइम से पहले मतलब होता है ना कि टाइम से पहले घर आओ। अब खेतों में यहां लोग काम करते हैं, नहीं कोई काम खत्म हो पाता है तो उनको कहा जाता है 6 बजे से पहले घर आओ, तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, थैंक यू सो मच। यहाँ पर अपनी अपनी कंसर्न हैं, अपने अपने मुद्दे हैं, और सेब बगीचे जिनके हैं उनके अपने मुद्दे हैं। फीमेल सिक्योरिटी का एक इशू उठा था जब जुलाई में यहाँ पर गुड़िया कांड हुआ था, इसी इलाके में हुआ था, और जिस तरीके से यहाँ पर पुलिस और प्रशासन और सरकार एक्सपोज हुआ था, उसके बाद यहाँ पर लोगों का थोड़ा सा उसमें से जो विश्वास होता है, ट्रस्ट होता है, वो थोड़ा उठा था। तो इसी तरह की और बातचीत, इसी तरह की और रैलियों को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर आप ये वीडियो हमारा अभी लाइव फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप इसे हमारे पेज को लाइक कीजिए, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। कैमरे के पीछे रजत, मैं प्रवीण कुमार डोगरा, यहाँ ठियोग से, थैंक यू। द ललन टॉप के वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।